दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। कि हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण की परत चढ़ गई है। एक तरफ जहां दिल्ली वाले वायु प्रदूषण से परेशान हैं, वहीं यमुना में जहरीले झाग ने भी लोगों को परेशान किया हुआ है। इसके साथ ही लोग दिल्ली सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए कोई समाधान क्यों नहीं करती। इस बीच दिल्ली के सीएम आतिशी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ आनंद विहार पहुंची। यहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि उनकी तरफ से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हैं। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 325 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहां पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसें आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट एक्यूआई लेवल होता है। इसीलिए आज यहां पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहां पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहां पे लोकली उठाए गए हैं। यहां पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसेस हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे जीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो। क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्टन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्टन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज्यादातर सीएनजी बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे ज्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। मैम क्या क्या कारक बॉर्डर है, आप बॉर्डर कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, ये वही एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इतना ज्यादा सबसे पोल्यूशन इसी जगह पर होता है? देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार की हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है
वहां पे डिफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? मैम, क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? बिल्कुल होगी।